फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होममेड फूड बाय रश्मि चैनल में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए मैंगो स्टफ्ड कुल्फी की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है, ये फुल क्रीम दूध है, गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैंने 2 आम लिए हैं, अच्छे से धुल के इनको हमें ऊपर से इस तरह से काट लेना है। थोड़ा सा हम इसको काट के और इसकी हमें गुठली निकालनी है। तो चारों तरफ से चाकू को हम थोड़ा थोड़ा ऐसे घुमा इसको अंदर कट लगाते जाएंगे चाकू से, और घुमा घुमा के चारों तरफ से हम इसको कट लगा लेंगे। और बहुत ही आसानी से इसकी गुठली निकल आती है, और हम थोड़ा सा गुठली को ट्विस्ट करेंगे तो ये गुठली निकल आएगी। ये देखिए, चारों तरफ से हमने अच्छे से कट लगा लिया है। अब हम ऐसे गुठली को इसको ट्विस्ट करेंगे और ये देखिए, हमारी बड़ी ही आसानी से गुठली निकल आई है। दोनों आमों की गुठलियाँ निकाल के हमने इसी तरह से तैयार कर ली हैं। तो चलिए हम अपना दूध देख लेते हैं। और ये देखिए, दूध अच्छे से उबलने लगा है। मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हमें इसको अच्छे से गाढ़ा कर लेना है, जिस तरह से रबड़ी होती है। तो ये देखिए, दूध हमारा गाढ़ा हो गया है। अब हम इस टाइम पे इसमें डाल देंगे 1 इलायची पाउडर और 2 टेबल स्पून मैंने चीनी डाली है। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आप मीठा खाना चाहें। और आप इस टाइम पे इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाले हैं। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। बढ़िया से ठंडा हो गया है, अब हमें इसको आम में भरना है। तो आम आप किसी ग्लास में या कप में इस तरह से फंसा लीजिए, जिससे जमाने में आसानी रहेगी कुल्फी। इस तरह से हम इसको भर देंगे। दोनों आमों को मैंने अच्छे से भर लिया है। ऊपर से इस तरह से ये कैप लगा देंगे इसकी, और ओवरनाइट हम इसे अच्छे से जमाने। और ये देखिए, अब एक पीलर की सहायता से हम इसको छील लेंगे। और ये देखिए, कितने बढ़िया से हमारी कुल्फी बन के तैयार है। और ये मैंने ओवरनाइट जमा ली थी, अच्छे से इसको छील लेंगे। और ये देखिए, अब हम इसमें इस तरह से इसको काट लेंगे। कुल्फी कितनी बढ़िया हमारी बन के तैयार है। हम ऐसे गोल गोल शेप में इसको एक चाकू की सहायता से काट लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अभी खूब आम आ रहे हैं, आप इस तरह से बनाइए। इसको देखिए, हम दूसरे लंबे लंबे शेप में काट लेंगे। और ये बहुत टेस्टी लगती है, बहुत आसान है बनाना। गर्मियों में आप भी इस तरह से आइसक्रीम जमाइए, बनाइए। ऊपर से हम इसको अच्छे से पिस्ता से गार्निश कर देंगे। और ये देखिए, कितनी बढ़िया हमारी आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है, मैंगो स्टफ्ड आइसक्रीम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।